अगला इफ्रिक देखते हैं, स्ट्रिपिंग कॉस्ट इन प्रोडक्शन फेज ऑफ सरफेस माइन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम लोग पहले देखते हैं भाई ये माइन क्या होता है। जब भी आप लोगों को माइन, यानी मैं कोल माइंस की बात कर रहा हूं, ऐसे मिनरल ओर्स वगैरह की जो माइंस रहती हैं उनकी बात कर रहा हूं, जब भी आपको ये माइन से जो भी आप मिनरल रिसोर्सेज निकालना चाहते हैं, अगर आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो पहले तो वहां तक जाने का रास्ता बनाना पड़ता है। फिर जैसे 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 माइन निकाली जाती है तो और रास्ता आगे बनाना जा पड़ता है, आगे डीप इनसाइड वाले जो माइंस है उनको निकालने के लिए, यानी ओर्स निकालने के लिए। ठीक है, तो दो तरह के खर्चे लग रहे हैं, एक खर्चा लग रहा है माइन तक पहुंचना, ओर तक पहुंचना, और दूसरा जैसे जैसे ओर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं रास्ता बनाते जाना। देखिए, सपोज कीजिए कि एक लैंड है जिसके नीचे यहां पे कुछ माइन पड़ी है, कुछ ओर्स पड़े हैं। ठीक है, अब आप ये ओर्स निकालना चाहते हैं, तो अगर आप ये ओर निकालना चाहते हैं तो एक तो आपको पूरा यहां तक पहुंचने का रास्ता बनाना पड़ेगा, दूसरा जैसे जैसे ओर निकलता चले जाएगा आगे बढ़ने का भी रास्ता तो बनाते रहना पड़ेगा ना। मतलब जैसे 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 ओर निकालोगे, क्योंकि ओर तो अंदर ही अंदर है, तो जैसे जैसे ओर निकालते चले जाओगे अंदर जाने का रास्ता बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रिपिंग कॉस्ट इज दिस रिलेटेड ओवरबर्डन कॉस्ट, जो आपको आज खर्चा लग रहा है, इसके अलावा यानी इस खर्चे का एग्जैक्टली करना क्या है। अब इसका जो रिस्टोरेशन है, वापस इसे रिस्टोर करना पड़ेगा, वो तो डीकमिशनिंग लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है, यानी इस जगह को वापस से रिस्टोर करना पड़ेगा, और डीकमिशनिंग लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है, ऑब्वियस सी बात है वो भी यहां पे इंक्लूड किया जाएगा, इस माइन की कॉस्ट के अंदर में इंक्लूड किया जाएगा। तो इसका रिकॉग्निशन कैसे किया जाए, क्योंकि अब दो तरह के कॉन्सेप्ट आए, कि हम जो ओर निकाल रहे हैं वो अपने लिए इन्वेंट्री है, और अब यहां पे हम लोग ये जो भी रास्ता बना रहे हैं ये इसका बेनिफिट हमें ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आएगा, तो वो तो पीपीई भी होना चाहिए। तो आखिर किस तरीके से अकाउंट करें, इफ्रिक 20 बेसिकली अकंपनीज आईएएस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके लिए बनाया गया है। वो क्या बोलता है, देखो जैसे जैसे आप रास्ता बना रहे हो, तो आप रास्ता क्यों बना रहे हो, क्योंकि उससे प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स है। सिंपल सी बात है भाई, कोल निकाल सकते हैं या कोई और मिनरल रिसोर्स है वो निकाल सकते हैं, तो ये गड्ढा करने का हमारा रीजन ही यही है, हम गड्ढा करेंगे, हम वहां एलिवेटर लगाएंगे, एलिवेटर का खर्चा लगेगा, एक टेक्नीशियन लगेगा जो इस पूरे काम को गवर्न करेगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों को कोई और इक्विपमेंट्स लगेंगे, एक्सट्रैक्टर्स वगैरह, तो वो हम रेंट पे लेंगे, जेसीबी मशीन्स लगेगी ना ये पूरा का पूरा गड्ढा खोदने के लिए, तो हम लोग वो पूरी की पूरी मशीन्स रेंटल पे लेंगे, तो रेंटल खर्चा लगेगा। तो ये जो भी खर्चे लग रहे हैं, दीज आर ऑल डायरेक्टली एलोकेटेड कॉस्ट टुवर्ड्स दिस डिगिंग ऑफ द माइन। पॉइंट समझ में आ रहा है इस डिगिंग के लिए। तो वो बोलता है इससे बेनिफिट कोई वन टाइम बेनिफिट नहीं है, इससे बेनिफिट ओवर द पीरियड मिलेगा, जैसे जैसे आप कोल एक्सट्रैक्ट करोगे, जैसे जैसे आप ओर एक्सट्रैक्ट करोगे, वैसे वैसे इसका बेनिफिट मिलने वाला है। दैट्स व्हाई इट शुड बी कैपिटलाइज्ड एज अ स्ट्रिपिंग एसेट, आप इसको नाम दोगे स्ट्रिपिंग एसेट। ठीक है, तो ये बोलता है टिल द टाइम प्रोडक्शन कमेंसेस, एक्सट्रैक्शन कमेंसेस बोलना चाहिए, एक्सट्रैक्शन कमेंसेस, कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन, यानी जो भी आप रस्ते में सामान निकाल रहे हैं, लिफ्ट्स लगा रहे हैं, जो भी रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन कॉस्ट है, शैल बी कैपिटलाइज्ड एज स्ट्रिपिंग एसेट एंड डेप्रिशिएटेड ओवर द लाइफ ऑफ सच एक्सट्रैक्शन। जैसे जैसे आप एक्सट्रैक्ट करोगे वैसे वैसे इसको डेप्रिशिएट करते चले जाओ। पॉइंट नंबर टू, वंस प्रोडक्शन कमेंसेस फिर क्या होगा,
वो बोलता है कि एक बार प्रोडक्शन कमेंस हो गया और उसके बाद आप रास्ता बनाते जा रहे हैं और कोल निकालने के लिए, तो इससे रिलेटेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है ये, जैसे जैसे इकोनॉमिक बेनिफिट को कंज्यूम करने वाला खर्चा है, यानी आज की इन्वेंट्री बनाने का खर्चा। और के लिए इन्वेंट्री कॉस्ट क्या है? लेबर कॉस्ट, मटेरियल कोई है नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब रास्ते बनाने के खर्चे ही तो हो गए, तो ट्रीट देम एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। रास्ता बनते जाएगा, कोल निकलता चल जाएगा। सो वंस प्रोडक्शन कमेंसेस सच कॉस्ट आर एक्सपेंस्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंस एंड ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। वाह, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। सर इन्वेंट्री के कॉस्ट कैसे हुआ? अरे आप इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करते हो? मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये मिला के करते हो, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है ना मेरे लिए, ये मेरे इन्वेंट्री का पार्ट होगा, उसके ट्रीटमेंट में यूटिलाइज होगा। सिंपल सा फंडा है, समझ में आया? अच्छा, खर्चे सिर्फ इतने से नहीं रहते, खर्चे थोड़े से और भी होते हैं। मैं मेरी डायग्राम पे वापस आ जाता हूं। सपोज कीजिए कि नीचे और थोड़ा बहुत, और नीचे अगर आप डिग करोगे तो कोल है, पर ये हमारा जो प्रेजेंट कोल है ये आधा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, उसके बाद ही हम उसे निकाल सकते हैं। तो हमने ये रास्ता बनाने के साथ साथ दूसरा रास्ता उस कोल तक पहुंचने के लिए भी खर्चा करना शुरू कर दिया। ये जो एडिशनल एक्सपेंस है, नया रास्ता जो हम बना रहे हैं, इस नए रास्ते का खर्चा अभी, उसका बेनिफिट अभी नहीं मिल रहा, उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा जब वहां का कोल एक्सट्रैक्ट होगा। समझ में आ रहा है? तो ये वाले एक्सपेंसेस के लिए वो बोलता है कि आप वापस कैपिटलाइज कर देना। हो सकता है कि आपने कोल का प्रोडक्शन कमेंस कर दिया, एक्सट्रैक्शन कमेंस कर दिया, ठीक है ना। वंस मैंने यहां प्रोडक्शन लिख दिया, इसे एक्सट्रैक्शन कर देंगे। वंस एक्सट्रैक्शन कमेंसेस, तो एक बार आपका एक्सट्रैक्शन कमेंस हो गया, उसके साथ साथ आप रास्ता बना रहे हो और आगे फ्यूचर में एडिशनल कोल निकालने का या और निकालने का, तो ऐसे जो फ्यूचर रिलेटेड एक्सपेंसेस है इन्हें भी कैपिटलाइज कीजिए, एक्सपेंस ऑफ मत कीजिए, ठीक है। एक्सपेंस रिलेटेड टू न्यू रूट बीइंग क्रिएटेड फॉर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन शैल ऑल्सो बी कैपिटलाइज्ड। इस खर्चे को भी आप कैपिटलाइज करेंगे। समझ में आया? पहले तो ये तीनों पॉइंट्स लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद में हम सबसीक्वेंट मेजरमेंट से रिलेटेड एक पॉइंट देखेंगे। सबसीक्वेंट मेजरमेंट ऑफ स्ट्रिपिंग एसेट, एक्सपेंसेस का नहीं, एसेट जो ऑलरेडी कैपिटलाइज पड़ा है। इसमें एंटिटी बोलती है कि यू मे यूज रिवैल्यूएशन मॉडल, और कॉस्ट मॉडल एज पर IAS 16, यानी रिवैल्यूएशन मॉडल लगा सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वैल्यू इन फ्यूचर वैल्यू इन यूज, जो भी आपको आ रहा है उसका आप रिवैल्यूएशन फेयर वैल्यू निकाल देंगे, उसके बेसिस पे फेयर वैल्यू निकाल लीजिए, रिवैल्यूएशन सरप्लस बना दीजिए, चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंपेयरमेंट का भी कॉन्सेप्ट लगाएंगे सेम पैटर्न पे, ठीक है। तो पहले यहां तक के लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद में मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1, 2013 फर्स्ट अप्रैल 2013 रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन बिगिंस 31st मार्च 2018 एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर कमेंसेस। September 2018
न्यू रूट फॉर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन कमेंसेस. डिटरमाइन अकाउंटिंग ऑन 31st March 2019. कॉस्ट 20 lakhs पर एनम अप टू 31st March 2018. 5 lakhs पर एनम फॉर एक्सट्रैक्शन. 3 lakhs related to new root. Permission of extraction for 5 years. परमिशन ऑफ एक्सट्रैक्शन फॉर 5 years. तो 1 अप्रैल से वो बोलता है कि रोवर बर्डन रिमूव करना आप बिगिन करेंगे, 31st March 2018 को फाइनली प्रोडक्शन एक्सट्रैक्शन कमेंस हो जाएगा. 30th September से हमने नए रूट के लिए काम शुरू किया है. 31st March 2019 की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है. रफली 20 लाख रुपीज़ पर एनम मैं आपको खर्चा बता रहा हूँ कि एक्सट्रैक्शन का हम लोगों को जो खर्चा लगा है. इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, सारे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आते हैं, कोई भी एलोकेटेड ओवरहेड नहीं आता. ये कोई मैं स्पेशल पॉइंट नहीं बता रहा क्योंकि ये किसी भी IAS या NDAS में नहीं आता है. इसीलिए जैसे जैसे एक्सट्रैक्शन शुरू हुआ 3 लाख रुपए का खर्चा हुआ है हमारा, 5 लाख का खर्चा हुआ, और नए रूट के लिए हमने अभी तक के 3 लाख रुपए का खर्चा किया है. तो करना क्या है, 31st March 2018 स्ट्रिपिंग एसेट हमारे बुक्स में कितना दिख रहा होगा, 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 14, 15, 16, 17, 18. 5 साल लग गए हमें, 5 साल, 1 crore, 100 lakh. ठीक है. डेप्रिसिएशन 31st March 2019 100 lakhs डिवाइडेड बाय 5 years 20 lakhs. डायरेक्ट एक्सपेंस 5 lakhs. इन्वेंट्री कॉस्ट 5 lakh विल बी ट्रीटेड, जैसे कि सपोज कीजिए 5 लाख नहीं, यहां पे मैं आपको बताता हूं, यहां से तो आंसर शुरू हो गया. 80% एक्सट्रैक्टेड और सोल्ड. तो 5 लाख का 20% बचा, 80% तो आपने बेच दिया, 20% बचा है. 1 लाख पार्ट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट, जिसे इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा. ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक के. 3 लाख कैपिटलाइज्ड एज स्ट्रिपिंग एसेट, 3 लाख रुपए को स्ट्रिपिंग एसेट मान के कैपिटलाइज कर देंगे जो हम लोगों को फर्दर एक्सपेंस लगा है. ठीक है, अच्छा कहानी अभी खत्म नहीं हुई, इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे. सपोज फेयर वैल्यू इज 50 लाख पर एनम फॉर 5 years या 30 लाख पर एनम फॉर 5 years. आने वाले 5 साल कोल से हम लोग रफली 30 लाख रुपए कमाएंगे, नेट 30 लाख रुपए कमाएंगे. तो वैल्यू इन यूज अगर मैं आपको बोलूं, लेट से डिस्काउंट रेट इज 12%, तो वैल्यू इन यूज होगा 30 लाख मल्टीप्लाइड बाय, अब 4 साल बचे हैं, 31st March 2019 को आप फेयर वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो वैल्यू इन यूज होगा 30 लाख मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर, 4 ईयर्स 12%, ये हो जाएगा 3.037.
91.11 लाख। अब एसेट हमारे बुक्स में कितने का दिख रहा है, कैरिंग अमाउंट कितना है? तो कैरिंग अमाउंट तो 80 लाख है, क्योंकि 20 लाख का तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हो और फेयर वैल्यू तो अपन ने डिटरमाइन ही ईयर एंड पे किया है। तो अब हम क्या करेंगे, पीपीई डेबिट या स्ट्रिपिंग एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस 11.11 ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, सर्विस एसेट स्ट्रिपिंग एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस 11.11। एग्जाम्पल का ये वाला पार्ट भी लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ओवरबर्डन कॉस्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। जब इतनी बात कर ली है तो ओवरबर्डन कॉस्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं कि रिस्टोरेशन कॉस्ट ऑन 31 मार्च 2018 विल बी 50 लैक्स रिलेटेड टू ओवरबर्डन रिमूवल एंड 5 लाख रिलेटेड टू ईच ईयर्स एक्सट्रैक्शन। ठीक है, इसे एग्जाम्पल टू रखिएगा। एग्जाम्पल थ्री कंटिन्यू फ्रॉम एग्जाम्पल वन, जो हमने पहला वाला एग्जाम्पल लिया वहां से कंटिन्यू करेंगे कि रिस्टोरेशन कॉस्ट 31 मार्च 2018 को 50 लाख रुपए लग रहा है, ओवरबर्डन जो हमने रिमूव किया था उसका, और रफली 5 लाख रुपए का रिलेटेड एक्सट्रैक्शन का कॉस्ट आएगा हर साल से रिलेटेड। तो ऐसे में क्या करना है, वो बोलता है कि 50 लाख शैल बी कैपिटलाइज। 50 लाख रुपए को तो इमीडिएटली कैपिटलाइज कर दो क्योंकि वो रिलेटेड टू ओवरबर्डन है। ठीक है, इसके ऊपर आईएस 16 लग जाएगा, यानी पीपीई या स्ट्रिपिंग एसेट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिस्टोरेशन। और 5 लाख रुपए जो इस बार के रिमूवल से रिलेटेड है वो इन्वेंटरी का पार्ट हो जाएगा, उसे डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा टू प्रोविजन फॉर रिस्टोरेशन। 5 लाख रुपए वो इन्वेंटरी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। यानी एग्जाम्पल वन से अब अगर मैं कंटिन्यू कर रहा हूं तो मेरा इस बार का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 150/5, 30 लाख रुपीज इन्वेंटरी से रिलेटेड कॉस्ट हो जाएगा। 5 लाख रुपए मुझे एक्सट्रैक्शन के लगे, 5 लाख रुपए और डीकमिशनिंग का कॉस्ट आ रहा है उसका 20%, यानी कि 2 लाख रुपए। उसके अलावा आएगा अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, क्वेश्चन जरा कंटिन्यू करना। डिटरमाइंड ऑन 31 मार्च 2019, रिस्टोरेशन ऑन 31 मार्च 2018 विल बी 50 लाख रिलेटेड टू ओवरबर्डन रिमूवल। ओवरबर्डन रिमूवल का कॉस्ट हमने 31 मार्च 2018 को ढूंढा है, और ये जो 5 लाख रुपए है इस बार का एक्सट्रैक्शन, क्योंकि जितना पूरे साल में एक्सट्रैक्शन हुआ हमने वो अमाउंट डिटरमाइन किया ईयर एंड पे, तो ईयर एंड था 31 मार्च 2019, तो 31 मार्च 2019 को ही डिटरमाइन किया हुआ ये वाला अमाउंट। तो ऐसे में अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट सिर्फ ओवरबर्डन पे होगा, शैल बी ऑन ओवरबर्डन कॉस्ट ओनली। क्यों? क्योंकि ये डिटरमाइन 31 मार्च 2018 को किया, पर जो एक्सट्रैक्शन वाला है वो तो 31 मार्च 2019 को डिटरमाइन किया, तो उस पर सवाल ही नहीं उठता अमाउंट लेने का। ठीक है, लेट्स से डिस्काउंट रेट इज 8%, 12% ही रखते हैं हमारा जो पहले था, तो 50 लाख पे 12% का इंटरेस्ट 6 लाख रुपए, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिस्टोरेशन। ये 6 लाख रुपए इन्वेंटरी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, ये बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल और लिख लीजिएगा। हमने क्या किया, हमने रिस्टोरेशन कॉस्ट को भी इंक्लूड कर लिया, हमने हर पॉसिबल चीज जो इससे रिलेटेड है वो देखी।
तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं कि क्या क्या चीजें आई इसके अंदर, ये पूरे के पूरे इसमें क्या क्या चीजें आई, तो पॉइंट नंबर वन में हम लोगों ने देखा कि जब आप पहली बार स्ट्रिपिंग करते हैं यानी रिस ओवर बर्डन रिमूव करते हैं, तो ओवर बर्डन जब तक कि आपका ओवर का प्रोडक्शन शुरू नहीं हो जाता तब तक का पूरा खर्चा आप क्या करते हैं, आप कैपिटलाइज कर लेते हैं। तो हमने हमारे एग्जाम्पल के अंदर में देखा कि भाई हम लोगों को करीब करीब 20 लाख रुपए आने, 5 साल तक के लगे, 1 करोड़ हमने कैपिटलाइज कर दिए। एक बार ओवर बर्डन रिमूव होना शुरू हुआ तो इसको इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट माना जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है। तो 5 लाख का खर्चा जो हमें इस एग्जाम्पल में लगा जो जो एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड था, तो वो हमने इन्वेंट्री का पार्ट मान लिया। इसके बाद एक नया रास्ता बना रहे थे, तो नए रास्ते से तो बाद में बेनिफिट मिलेगा, इसलिए उसे वापस से कैपिटलाइज कर दिया। जो ऑलरेडी रिस्टोरेशन कॉस्ट हमने कैपिटलाइज किया था उसके ऊपर आपको रिस्टोरेशन का भी तो खर्चा लगेगा वो जगह रिस्टोर करने का, तो इसीलिए उसे हमने हमारे बुक्स में डीकमिशनिंग लायबिलिटी के नाम पे इंक्लूड कर लिया। प्रेजेंट वैल्यू 50 लाख, तो एसेट हो गया 1.5 करोड़ का। 5 साल में डेप्रिशिएट करना था, 5 साल में डेप्रिशिएट किया, तो हमने 30-30 लाख रुपए एलोकेट कर दिया। जो रिस्टोरेशन अब हम जैसे जैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वहां के ओवर बर्डन के रिमूवल से रिलेटेड है, वो एसेट में कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए, वो एक्सपेंस से रिलेटेड है, इसीलिए एक्सपेंस ऑफ हो जाना चाहिए। तो 5 लाख रुपए एक्सट्रैक्शन का लगा, उस जगह को रिस्टोरेशन को 5 लाख रुपए लगेंगे, 10 लाख रुपए का हमने एक्सपेंस दिखा दिया, ये इन्वेंट्री के कॉस्ट का पार्ट है, 20% बचा है, 2 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ईयर एंड पे ले लिया जाएगा। अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करना चाहते हैं तो आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वैल्यू इन यूज ले लेंगे, या फिर जितने पे भी आप इस माइन को आज की डेट में सेल कर सकें वो फेयर वैल्यू ले लेंगे। हमें वैल्यू इन यूज आई थी 91.11, पोस्ट डेप्रिसिएशन जो भी अमाउंट बनता है वो। अब ध्यान में रखिए, आप लोग जब IAS 16 पढ़ते हैं तो इट इज रिटन रिवैल्यूएशन इज पोस्ट डेप्रिसिएशन पोस्ट इंपेयरमेंट लॉस, पर डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, उसके बाद का रिवैल्यूएशन है, ठीक है ना, सबसिक्वेंट। तो रिवैल्यूएशन भले ही मैं ईयर एंड पे कर रहा हूं, पर पहले का जो डेप्रिसिएशन वगैरह है वो तो मतलब रिवैल्यूएशन के बाद से उसके ऊपर डेप्रिसिएशन शुरू होगा ना। तो रिवैल्यूएशन की वैल्यू ही अगर ईयर एंड पे डिटरमाइन कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन के बाद का इंपैक्ट लिया जाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इन सारे के सारे एग्जांपल्स में समझने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक के आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं।